तो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जनरली डाउट में आता है। मतलब इसमें थोड़ा सा क्या है कि बहुत सारे बुक में इसका सलूशन कुछ और दिया है और एक्चुअल में कुछ और है जो मैं आपको आज क्लियर कर दूंगा। कहता है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है दैट मस्ट बी अप्लाई टू स्टॉप द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप एक्सपेरिमेंटली पढ़े होंगे, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए कितना पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए उसकी कैलकुलेशन पूछ रहा है, उसका सोल्यूशन पूछ रहा है। ठीक है, चलो। इमिटेड बाय ए निकिल सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन, अगर एक निकिल का सरफेस है, चलो ये हम मान लो हम लोग का निकिल का सरफेस है और इस पर हमने रेडिएशन डाला, हैविंग इसका वर्क फंक्शन पहले से डिफाइन है 5.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना दिया हुआ है वर्क फंक्शन। अब वेन अल्ट्रावायलेट 200 नैनोमीटर, अब इस पे जो वेवलेंथ है वो 200 नैनोमीटर का फॉल कर रहा है, तो ऑब्वियसली अगर ये कह रहा है कि इस रेडिएशन से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इमिट हो गए इस रेडिएशन से, इस वेवलेंथ से इलेक्ट्रॉन इमिट हो गए, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया तो इस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा, डेल्टा भी वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आइंस्टाइन के एनर्जी कंजर्वेशन से एनर्जी इंसिडेंट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। और एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें हम यार, तो एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए इधर मैं आपको साइड में बता देता हूँ, एनर्जी होती है वो एच न्यू या एच सी अपान लैमडा होती है। और मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन में बता चुका हूँ, कैलकुलेशन ईजी करने के लिए इसको 12 नंबर 420 अगर मैं लैम्डा लिखता हूँ तो यहाँ से जो लैम्डा की जो वैल्यू आती है, यहाँ से ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है और यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू जो आती है वो एंगस्ट्रॉन में होती है, बराबर है। तो अगर लैम्डा एंगस्ट्रॉन में दिया है तो डायरेक्ट ए लगा देते हैं, अगर लैम्डा एंगस्ट्रॉन में नहीं दिया, लैम्डा नैनोमीटर में है तो 12402 और यहाँ से लैम्डा नैनोमीटर में हो तो यहाँ से हम डिवाइड कर देते हैं और एंगस्ट्रॉन में दिया है तो यहाँ से रख देते हैं। तो ये एक आसान सा दो आइडिया हमेशा याद रखो कि लैम्डा एंगस्ट्रॉन में है तो 12 नंबर 420 में लैम्डा एंगस्ट्रॉन की वेवलेंथ रख दोगे तो डायरेक्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। इसको याद कर लो मेरे भाई, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। और यहाँ से नैनोमीटर, अरे कैलकुलेशन करके आया हुआ है आप जानते होगे। तो यहाँ से अगर मैं ये एनर्जी अगर रखूँ तो 12 नंबर 402 और यहाँ नैनोमीटर में है तो ये आ जाएगा 200 और माइनस वर्क फंक्शन में 5.01 है तो ये अगर मैं यहाँ से काट दूँ तो ये 2 पॉइंट ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा 6.21 और माइनस 5.01। तो 5.01 अगर इसको यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.2 और ये आ जाएगा 1.2। तो 1.2 जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो याद रखना कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट होके इतनी आई है। अब हम लोगों को निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई। तो अगर हम सबको पता है जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करते हैं, एक बार उस चीज़ को मैं आपको समझा देता हूँ कि जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करते हैं और स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल की बात करते हैं तो ये जो है वो प्लस और ये निगेटिव टर्मिनल होता है और यहाँ से ये निगेटिव टर्मिनल होता है और ये यहाँ से ये पॉजिटिव टर्मिनल है प्लस। तो यहाँ से जब इस पे इलेक्ट्रॉन्स फॉल करते हैं, इस पे फोटॉन्स गिरते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन को इस निगेटिव एनोड, इसको रोकना, इस इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से स्टॉप करना है। तो इस निगेटिव एनोड की जो मैग्नीट्यूड है, जितनी पोटेंशियल इस निगेटिव एनोड पर है उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो कट ऑफ पोटेंशियल होती है। तो कट ऑफ पोटेंशियल अगर मैं इसको देखूँ तो जब काइनेटिक एनर्जी आती है
तो ये आती है हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज ई वी सी। तो ई वी सी क्या है यार, ई वी सी जो एनोड है निगेटिव टर्मिनल एनोड का मैग्नीट्यूड है, उस मैग्नीट्यूड का कट ऑफ पोटेंशियल इसको बोलते हैं, हम सबको पता है। तो ये आई है 1.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये ई वी सी है, मतलब कट ऑफ पोटेंशियल ई नहीं, कट ऑफ पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी प्लस 1.2 वोल्ट। तो ये तो कट ऑफ पोटेंशियल है। अब यही सोल्यूशन बहुत सारे बुक में ये दे रखा 1.2, ये नहीं पूछ रहा है यार, वो पूछ रहा है इस पॉइंट और इसका और पॉइंट वन और पॉइंट टू के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो पॉइंट वन और टू के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें निकालना, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर मान लो ये प्लस है और ये माइनस है, निगेटिव टर्मिनल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें ऐसे आ रही होंगी, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें ऐसे आ रही होंगी, ऑब्वियसली अब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफाइन, पोटेंशियल अब्सोल्यूट डिफाइन नहीं है, लेकिन ये पोटेंशियल इस पॉइंट और इस पॉइंट का डिफरेंस पूछ रहा है। तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस इसका वी वन है और इसका वी टू है, तो पोटेंशियल डिफरेंस वी वन माइनस वी टू दो पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस वर्क डन पर यूनिट चार्ज ऐसे डिफाइन है। तो वर्क डन, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इलेक्ट्रिक इस पर फोर्स इधर लग रहा होगा और इसकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी वन अपॉन वी टू, ये देखोगे ये पूरा क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। इससे चार्ज क्या होगा, रिटार्ड होगा, तभी तो जाके रिटार्ड होगा तो रुकेगा मेरे भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द टू प्लेट मस्ट बी निगेटिव, दैट इज माइनस 1.2। अगर इसके बीच अगर पॉजिटिव कर दोगे तो क्या होगा, तो पॉजिटिव कर दोगे, मान लो यहाँ से अगर ये मान लो ये प्लस टर्मिनल है और ये माइनस टर्मिनल है, अब इसमें ये मतलब एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू छोड़ दिए, ठीक है। तो प्लस क्यू चार्ज हो गए, तो पोटेंशियल डिफरेंस वी वन माइनस वी टू, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू, वर्क डन पर यूनिट चार्ज डिफाइन है। तो वर्क डन ये वाली चीज़ क्या आ जाएगी यार, पॉजिटिव आ जाएगी, क्योंकि प्लस वाला चार्ज इधर मूव करेगा, फोर्स भी इधर लगेगा, तो वर्क डन पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो एक्सेलरेट करेगा वो चार्ज जो है, वो एक्सेलरेट करेगा। और यहाँ हमें रिटार्ड करना था, तो रिटार्ड करना था तो पोटेंशियल डिफरेंस या माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस 1.2 वोल्ट, दैट इज इसका ये ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो